माननीय महाराजा जी, माननीय ऑनरेबल सीएम पूर्ण जामियाटा जी, माननीय मंत्री काउंसिलर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आज जो मेरे साथ स्टेज में है, और साथ साथ आप सब लोग आज ये मैच देखने के लिए आया, मेरे तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार। मैं पहले त्रिपुरा फुटबॉल लीग कमेटी को ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे यहां इतना अच्छा आपका फाइनल और आप लोग के सामने मुझे मौका दिया आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराजा जी ने जो कहा कि मैं सिक्किम का हूं, और जब मैं सिक्किम का बात करता हूं तो काफी त्रिपुरा के साथ हम लोग का इतिहास और हम लोग का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। त्रिपुरा भी पहले किंगडम था, वैसे ही सिक्किम भी एक किंगडम था। 1975 में हम लोग भारत में एक स्टेट बन के आया, और हम एक इंडिजिनियस का होने के नाते हमको काफी लगता है कि जो इधर त्रिपुरा आप लोग का एडीसी एरिया, हम लोग का कल्चर वाइज, हम लोग का खाना कल्चर सोच विचार बहुत एक ही तरफ का है, मुझे पूरा उम्मीद है। और हम लोग भी इंडिजिनियस हैं आप लोग की तरह, तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम जो इंडिजिनियस लोग रहता है वो काफी ईमानदार, एक सच्चा और सिंसियर आदमी होता है, लेकिन खेलकूद में इंडिजिनियस का खून में एक खेलकूद रहता है। इसलिए आप जब भी देखते हैं भारत के लिए काफी इंडिजिनियस आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से भारत के लिए स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा बड़ा नाम करके ओलंपिक गोल्ड मेडल तक लेके आया हुआ है। तो ये इंडिजिनियस पीपल में एक स्पोर्ट्स का एक बड़ा खून है ही है आपके स्पोर्ट्स पर्सन का। और एक साथ साथ हम लोग बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी इंसान भी है इंडिजिनियस पीपल। तो मैं आज महाराजा ने जो बोला कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एंटी ड्रग्स और फिटनेस का, मैं एक दुख लगता हूं कि जब त्रिपुरा में आता हूं मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में। डेफिनेटली इधर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन दीपा कर्मकार था, लेकिन दुख लगता है कि क्यों त्रिपुरा से फुटबॉल प्लेयर इतना ज्यादा नहीं आता है जो बाकी स्टेट से आता है। तो मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि अभी TTA DC के अंडर जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स फ्यूचर में जो प्लान्स है फुटबॉल के लिए, जो एकेडमीज करने के लिए, उसके लिए मेरे तरफ से फुल सहयोग और सपोर्ट रहेंगे। और महाराजा जी और ऑनरेबल CM और उनका कैबिनेट मंत्री लोग को मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग मिलके त्रिपुरा से फ्यूचर 5 साल के भीतर में 2-3 फुटबॉलर इंडिया के लिए खेलने जरूर बनाएंगे। हम लोग का एक चैलेंज है और प्रॉमिस भी है। और त्रिपुरा का जो सुनाई दे रहा था, काफी यूथ लोग हमारा थोड़ा जो सोशल वाइज थोड़ा डिफरेंट साइड में जा रहा है वो हमको दुख लगता है। ये त्रिपुरा में सिर्फ नहीं है, एंटायर नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूथ लोग को यही बोलना चाहता हूँ, आपको फिट रहना है, और ये ड्रग्स और एंटी सोशल में जाके आप खुद तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन आप साथ साथ में आपका पूरा परिवार को भी एक बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। तो प्लीज मैं आप लोग को प्रार्थना करता हूँ, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप खराब रास्ता, ड्रग्स, HIV ये सबसे दूर रह के एक फिटनेस के तरफ आएंगे, और अपना एरिया, अपना कम्युनिटी और अपना त्रिपुरा शाह को पूरा आप नाम रोशन करके, मुझे पूरा उम्मीद है। मुझे यहाँ इनविटेशन महाराज जी ने दिया था, महाराजा जी ने मेरे लिए बुबराबरा एक दोस्त खाली नहीं है, मेरे लिए वो नॉर्थ ईस्ट का एक
बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर हम लोग को खाली ओनली त्रिपुरा को महाराजा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब उन्होंने जब भी बात करता है टेलीविजन में हो, डिबेट्स में हो, डिस्कशन में हो या नेशनल मीडिया में रखता है, तो महाराजा एक पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए लड़ता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनियस पीपल के लिए। उनको जितने बार हमने देखा है उन सब कभी भी इंडिजिनियस पीपल के लिए और लड़ने के लिए आगे रहा है। तो मेरे लिए सिर्फ त्रिपुरा नहीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा लीडर है और उनका लीडरशिप सिर्फ त्रिपुरा को नहीं नॉर्थ ईस्ट को गाइड करना चाहिए। स्पेशली इंडिजिनियस पीपल हम लोग जो है उनको देखभाल करके उनका गाइडेंस का बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं आशा रखता हूँ फ्यूचर में जो कर रहा है महाराजा जी और उनके साथ जो TTA DC में है सब लोग मिल के आप लोग का काम अच्छा करें, आपका जो इंडिजिनियस पीपल इधर का भलाई करे, साथ साथ यहाँ से शुरुआत होके हमको लगता है कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट में उनका सहयोग सपोर्ट और एडवाइस का जरूरत है। सो थैंक यू वंस अगेन और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फुटबॉल को आप लोग आज सीनियर लेवल में लीग किया है, फ्यूचर में